So we have the fourth poet, Robin S. Ganjom, in our syllabus, paper 5, unit 3. After reading DeRozio, if we look at the poems by Ganjom, जो कुछ राइटर्स हैं जो नॉर्थ ईस्ट एरिया से हैं, गंजोम बाइलिंगुअल पोएट हैं, अपनी मदर टंग में मणिपुरी लैंग्वेज, उसमें एक लैंग्वेज है असम के उस लोअर एरियाज में जहाँ मणिपुर है, वहाँ दिस पर्टिकुलर लैंग्वेज मैतई जो है वो बोली जाती है. तो बाइलिंगुअल हम उस कवि को कहते हैं जो दो भाषाओं में लिखते हैं. ट्रांसलेटर भी हैं गंजोम, इन्होंने इंग्लिश और मैतई मणिपुरी जो लैंग्वेजेस हैं उनमें लिखते हैं. ये ही वॉज बॉर्न इन इम्फॉल. यू कैन सी उनकी जो 3 बुक्स ऑफ पोइट्री हैं, वर्ड्स एंड द साइलेंस, टाइम्स क्रॉस रोड्स, द डिजायर ऑफ रूट्स, समथिंग वेरी यूनिक अबाउट द वे ही यूजेज लैंग्वेज, ये मैं जरूर कहूंगी. जैसे उनकी चॉइस ऑफ टाइटल्स भी है ना, किताबों की जो संग्रह है, उनकी कविताओं के जो संग्रह हैं, आप उनको भी देखेंगे और अभी हम उनकी पोएम्स पढ़ेंगे तो आप खुद महसूस करेंगे ये कि माइन्यूट और जहाँ जरूरत है सिंप्लिसिटी की बहुत है, और जहाँ बहुत ज्यादा पॉइग्नेंट इमोशंस को, तीव्रता जो है इमोशंस की, उसको इतना अच्छे से पोएट्री के थ्रू एक्सप्रेस करना, ये फोटे है गंजोम की पोएट्री, उनकी स्किल का, राइटिंग स्किल का. और जब गंजोम जैसे राइटर्स, क्योंकि बहुत सारी आई होप यू अंडरस्टैंड कि कुछ ऐसे एरियाज हैं जैसे नॉर्थ ईस्ट एरिया में बहुत सारी टैलेंट हैं, बहुत सारे बढ़िया से बढ़िया स्टोर हाउसेज ऑफ टैलेंट हैं, लेकिन समटाइम्स दे आर इग्नोर्ड. उन्हीं की लाइन को मैं कोट करना चाहती हूँ जब गंजोम ने कहा दैट आई एम हिस्टोरिकली फॉरगॉटन politically overlooked poet from the nook of a third world country who believes that poetry cannot do without love. Poetry, अगर हम poetry की जब हम बात करते हैं, हम सब unit 3 जब पढ़ रहे थे, we see कि बहुत सारी चीजें हैं जो poets अपनी poems के जरिए express करना चाहते हैं, वो चाहे Indianness हो, चाहे autobiographical element हो, चाहे confession हो, चाहे लव फॉर कंट्री हो, चाहे जेंडर रिप्रेजेंटेशन हो, चाहे कमेंट हो पॉलिटिकल और जो जेंडर प्रेजुडिसेस और बायस है लोगों के अंदर. सो वी सी पोएट्री बहुत ज्यादा वे में सिर्फ रीडर के लिए एक्सपीरियंस नहीं होता, ये राइटर के लिए, पोएट के लिए भी होता है. लेकिन इस कोट को अगर आप देखें, इन्होंने यहाँ पे एक बात फ्रेज यूज की है थर्ड कंट्री. आई वॉन्ट टू रीड दिस लाइन अगेन. हिस्टोरिकली फॉरगॉटन पॉलिटिकली ओवरलुक्ड पोएट फ्रॉम द नुक ऑफ अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री हु बिलीव्स दैट पोएट्री कैन नॉट डू विदाउट लव. सो थर्ड वर्ल्ड कंट्री हम किसे कहते हैं? वो नेशंस, वो कंट्रीज जो अलग रहे जब वर्ल्ड वॉर था और इनके सबके ग्रुप्स बन रहे थे दुनिया के पावरफुल नेशंस के, और जो बिल्कुल अलग थे, दे वर दिस थर्ड वर्ल्ड पीपल. तो मैं उस समाज का हिस्सा हूँ, गंजोम फील करते हैं, जो ओवरलुक्ड रहा, लेकिन वो उस पूरी कंट्री का मैं हिस्सा हूं जो ये मानते हैं दैट लव इज वेरी एसेंशियल एलिमेंट टू बी
कंटेन्ड इन पोइट्री. ज्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि रॉबिन गिंजॉम की पोएम्स दे डिजर्व ऑल रिस्पेक्ट, दे डिजर्व ऑल अटेंशन. वी विल रीड स्ट्रेट फॉरवर्डली फ्रॉम द पोएम फर्स्ट और फिर हम बात करते हैं, ठीक है, पोएम और इस पोएट की क्वालिटीज के बारे में. सो द फर्स्ट पोएम दैट आई एम गोइंग टू रीड इज अ पोएम फॉर मदर. इटली के एक बड़े इटली का एक जगह है सिसली. सिसली के कवि हैं सल्वातोरे क्वासिमोदो. ये बिल्कुल शुरुआत में उन्होंने जैसे डेडिकेट की होती है ना अपनी पोएम, तो इसीलिए उनका जिक्र है पोएम में. आई एम रीडिंग. पेलम अपोपी द नेम ऑफ हिज मदर. Mother who gave birth to me, to be a man, how I hated leaving home 10 years ago. Now these hills have grown on me, but I am still your painfully shy son, with a ravenous appetite. The boy who lost many teeth after emptying your larder, and I am also your dreamy-eyed lad who gave you difficult times during his school days, romancing every girl he wanted, even when he still wore halfpence. You told your children that money and time do not grow on trees, and I could never learn to keep up with them. It isn't that I have forgotten what you have come to mean to me, though I abandoned much and left so little of myself for others to remember me. I know how you work your fingers to the bone, as all mothers do, for unmarried sons, aging husband, and liberated daughters-in-law. Worried about us for a long time, your lips couldn't burgeon in a smile. Lines have furrowed your face and first signs of snow are here. Today, as on every day, you must have risen with temple bells before cockcrow swept the floors, and after the sacred bath, cooked for the remainder of us. I can see you returning every dusk from the bazaar, your head laden with baskets. Must you end toiling forever? I am sorry, Pelham. I have inherited nothing of your stable ways or culinary skills. Forgive me for all your dreams of peace during your remnant days. I turned out to be a small man with small dreams, living a small life. I was talking about the other day, if you remember, कि poetry कभी भी जरूरी नहीं है कि हम बहुत मुश्किल expressions use करें. बहुत simplicity जो होती है, बहुत बार the way a concept is conveyed to the readers in the most simple way is also a quality of a poem. आपने इसको पहले पढ़ा होगा, अगर अभी भी अगर आपने ध्यान से सुना है तो यू ऑल कैन मेक दिस आउट कि ये पोएम जो है एक चाइल्ड की तरफ से अपना एक्सप्रेशन है जो बहुत रिलेटेबल है. उससे भी ज्यादा एक ऐसा राइटर जो ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स के साथ, जब हम बात करते हैं कि कुछ कन्फेशनल पोएट्स हैं, है ना, हमने कहा पोएट्री जो है वो पर्सनल फीलिंग्स के लिए वेंट है, एक्नॉलेजमेंट है फॉर द नियर एंड डियर वंस. व्हेन यू लुक एट दिस पोएम, पोएम फॉर मदर, नाउ दैट वी हैव टू गो बिटवीन द लाइंस एंड सी द समरी एंड ऑल. जो दो चार बातें आपको ध्यान रखनी है वो रॉबिन एस गिंजॉम जो है, जो मैंने अभी कहा कि वो मैतेई और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में लिखते हैं अपनी कॉम्पोजिशंस. मैतेई जो है MEITEI, ये स्पेलिंग्स होंगे, और MEITEI इसको अलग से भी प्रोनाउंस करते हैं, मैथलियन भी कहते हैं, MEET
TEILON. और अभी मैंने कहा था कि वो ट्रांसलेटर हैं, पोएट हैं, एक बहुत फेमस अवार्ड है कथा अवार्ड, ट्रांसलेशन का अवार्ड मिला था इन्हें, कथा अवार्ड 1999 में. और जो ये उनकी पोइट्री का कलेक्शन है, मैं उसको फिर रिपीट कर दूं, वर्ड्स एंड साइलेंस, टाइम्स क्रॉस रोड्स, द डिजायर ऑफ रूट्स. और जो जैसे आप ये पोएम को भी आपने सुना ही है, सिर्फ उनकी ये एक ट्रेट है उनकी राइटिंग का कि बहुत ऑटोबायोग्राफिकल होती हैं उनकी पोएम्स हमेशा से. उनका ये अप्रोच रहा है कि अपने रीडर्स को ना जैसे एक होप का मैसेज देते हैं ना, और दिस दिस अप्रोच, एक राइटर कोई भी इंसान होगा जब उसने बहुत ज्यादा इनजस्टिस, बहुत ज्यादा प्रेजुडिस को एनकाउंटर किया होगा, एंड्योर किया होगा, तो वो इंसान विद लॉजिक एंड रीजनिंग, वो क्या चाहता है इंसान, कि सामने जो मेरी सोसाइटी है, जो मुझसे मिल रहे हैं, वो इस डिस्क्रिमिनेशन से परे रहें. गंजौम उनमें से एक है. वो डेफिनेटली कभी नहीं चाहते थे कि इम्फाल जैसी जो मणिपुर की जो प्लेसेस हैं उनमें कोई भी जो ये पॉलिटिकल डिस्क्रिमिनेशन है, जो एक ओवरलुक का, जो ओवरलुक्ड इंडिविजुअल का जो उनके मन में दुख रहा है ना कि हिस्टोरिकली ओवरलुक्ड रहा है ये एरिया, वो अपनी पोएम्स के जरिए एक कनेक्टेडनेस, एक कनेक्शन डेवलप करना चाहते थे. और जब हम उनकी जो हमारी सेकंड प्रिस्क्राइब्ड पोएम है उनमें ये सारे पॉइंट्स और क्लियर होंगे जो मैं ये कह रही हूँ, पॉलिटिकली डिस्क्रिमिनेशन एंड ऑल. जो उनकी पोएम है द स्ट्रेंज अफेयर ऑफ रॉबिन गंजॉम, और जब उनकी बेस्ट पोएम्स में से जिक्र आता है तो वो पोएम भी को मेंशन किया जाता है. और ये जो पोएम है जो अब हम कर रहे हैं, दिस इज डेफिनेटली एन ऑटोबायोग्राफिकल पोएम एंड इट हैज नो पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन. और आई होप दिस पोएम इज क्लियर टू यू. जैसे हम पहले पॉइंट्स को दोबारा पढ़ते हैं, आप इसको अपने आप पढ़ सकते हैं और आपको जितना आपने सुना है यू अंडरस्टैंड कि ये पोएम जो है एक एक पोएट की अपनी फीलिंग्स हैं अबाउट हिज मदर, द लव दैट ही हैज फॉर हिज मदर. बहुत ही ज्यादा ऑटोबायोग्राफिकल, कंप्लीटली ऑटोबायोग्राफिकल है ये पोएम, क्योंकि ग्रेटिट्यूड भी है जो जो पोएट के मन में है अपनी मदर के लिए. जो मदर है वो अनकंडीशनल लव और लाइफ लॉन्ग स्ट्रगल और टॉयल का जो सिंबल है, जो मदर जिस तरीके से उन्होंने पोएम में प्रेजेंट किया है वो भी बहुत क्लियरली डिपिक्ट होता है. और जैसे वो बिगिनिंग में देखो, मैंने अभी कहा कि ब्रैकेट्स में लिखा ना सलवातोर क्वासिमोदो, तो ये कौन है, एक सिसिलियन पोएट नॉवलिस्ट हैं, उनको ये ट्रिब्यूट की तरह है. और सिसिलियन जब मैं कहती हूँ, सिसिली जगह है इटली से, इटली में SICI, सिसिलियन एडजेक्टिव बन गया ना, तो फिर SICILIAN, तो उस राइटर को जस्ट रिमेम्बर्स. अच्छा, तो जब ये पोएम शुरू होती है तो देखो बिगनिंग में ही अपनी मदर का नाम लेकर वो एड्रेस करते हैं और वो एक तरीके से कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं रीडर्स के साथ, एक तरह से ही इज नरेटिंग, ही इज एक्सप्रेसिंग हिज लव दैट ही हैज फॉर हिज मदर. और बिगनिंग की लाइंस मैं दोबारा से पढ़ना चाहूंगी. टू बी अ मैन, पलम अपोकी, हु गेव बर्थ टू मी, टू बी अ मैन, हाउ आई हेटेड लीविंग होम 10 years अगो. सो दिस शोज, ये जो ट्रांजिशन आया है, ये जो बदलाव आया है कवि पोएट के अंदर, कि पहले मतलब मैं वो बेटा हूँ जिसे बर्थ दिया, जो कि नफरत करता था घर छोड़ने के आइडिया से भी 10 साल पहले, है ना. सो ही सेज, और वो क्या अपनी ट्रेट बताता है, आई एम स्टिल योर पेनफुली शाय सन, बहुत शर्मीला स्वभाव, है ना. और जिसको बहुत ज्यादा क्या लगती है, एपिटाइट क्या होता है, भूख होती है ना, और ऐसी भूख जो कैसी है, रेवनस. क्या होता है रेवनस,
वैसे रेवनस बना कैसे है? रेवनस हम वेरी हंगरी जो होता ना, बहुत ही भूखा, उसके लिए हम यूज करते हैं रेवनस। लेकिन इस वर्ड का मीनिंग जो है वो कहाँ से आया? रेवन, यू नो देयर इज दिस बर्ड, जो कौआ है उसकी एक फैमिली में से एक बर्ड है, रेवन उसे कहते हैं। सो रेवनस इज समवन हु इज वेरी हंगरी, है ना? तो वो अपने आप को जैसे याद कर रहे हैं कि मैं वैसा ही बेटा हूँ, विद अ रेवनस एपिटाइट, द बॉय हु लॉस्ट मेनी टीथ आफ्टर एम्प्टिंग योर लार्डर। लार्डर उस स्टोर हाउस को कहते हैं जहाँ हम सारी खाने की चीजें रखते हैं ना, स्टोर करते हैं हम फूड ग्रेन्स एंड ऑल। तो मैं इतना भूखा था दैट आई यूज्ड टू एम्प्टी एवरीथिंग दैट इज केप्ट इन द लार्डर। और ये जो छोटी छोटी डिटेल्स हैं, किस किस्म के वो चाइल्ड थे, और बिगनिंग में जब एज अ चाइल्ड ही हेटेड दिस आइडिया ऑफ लिविंग होम, और अब 10 साल हो गए हैं, है ना, दैट ही लेफ्ट हिज प्लेस हिज विलेज बिकॉज नाउ ही इज ग्रोन अप। और जो ओपनिंग होती है, आई वॉज टेलिंग अदर यस्टरडे ऑल्सो, कि जो ओपनिंग होती है किसी पोएम की, नॉवल की, शॉर्ट स्टोरी की, बड़ी इंपॉर्टेंट होती है उस तरीके से कि उसमें रिफ्लेक्शन होता है। यहाँ पे भी इस पोएम की शुरुआत में हमें पोएट की पर्सनालिटी रिफ्लेक्ट हो रही है, कैसे ही इज अ शाई, ही हैज समवन हु ही इज समवन हु हैज डीप लव फॉर द प्लेस, हु हैज सेम इमोशन फॉर हिज मदर, हु हैज रेवनस एपिटाइट। और ये कितना क्लियर कर रहे हैं वो कि आई हैव नॉट चेंज्ड अ बिट ओवर दिस पैसेज, आई एम द सेम विद दैट इनसेशिएबल एपिटाइट, है ना, दैट इज नॉट सेटिस्फाइड। सो जब हम ये बात कह रहे हैं कि इस पोएम में बहुत ज्यादा ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स हैं, तो वो कहाँ से आते हैं? मेमोरी से आते हैं ना, कि जो पोएट है वो कुछ ना कुछ याद कर रहा है या याद कर रही हैं। सो मेल चाहे फीमेल, तो नॉस्टैल्जिया जो है ना, बड़ा इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है ऑटोबायोग्राफिकल राइटिंग में, चाहे वो पोएम है, नॉवल है, शॉर्ट स्टोरी है। तो यहाँ भी हम देख रहे हैं इस पोएम में जो बहुत ज्यादा डिटेल में है वो है नॉस्टैल्जिक एलिमेंट्स अबाउट द चाइल्डहुड, द पोएट्स चाइल्डहुड। और किस तरीके से वो फनी वे में भी बताते हैं कि मुझे चाहे मेरे सारे दांत टूट गए, बट आई आई लेफ्ट नथिंग इन द लार्डर इन दैट स्टोर हाउस, द किचन स्टोर हाउस, है ना। और मैं आज भी आपका वही ड्रीमी आइड बॉय हूँ जो हमेशा सपनों में रहता था। और मैं अपनी बॉयहुड में, जब मैं बिल्कुल हाफ पेंट्स में था, आई वॉज सो स्मॉल, इवन देन आई हैड थर्स्ट फॉर रोमांस फॉर एवरी गर्ल, और दैट इज द रीजन फॉर ट्रबल फॉर माई मदर। तो वो एक जो जो फॉन्ड मेमोरीज हैं उसके लिए नॉस्टैल्जिक हो रहे हैं। और जब हम कहते हैं कि ये ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है, तो वो कहाँ से हमें पता चलता है? जब जब वहाँ पे रेफरेंस हो, जिक्र हो चाइल्डहुड का। अब अपने चाइल्डहुड में द काइंड ऑफ नॉटीनेस, एज अ नॉटी चाइल्ड बींग यंग, देर वॉज दिस टेम्पटेशन ऑफ ईटिंग, जो रेवनस एपिटाइट की वो बात कर रहे हैं, वो हर एक बच्चे में, जैसे वो कुकीज और स्वीट्स और फूड आइटम्स को देख कर होती है जो मदर ने कहीं ना कहीं लार्डर में छुपा के रखा है, सो दैट चिल्ड्रन स्टे अवे। सो ही ऑल्सो नोज दिस, और वो एक्नॉलेज करते हैं कि मैंने चाहे जितना तंग किया हो अपनी मदर को, आई वॉज दी एप्पल ऑफ हर आई। और चाहे वो एक टफ टाइम था मेरी मदर के लिए, व्हेन आई वॉज रोमेंसिंग हियर एंड देयर, एंड दिस वॉज जस्ट इन्फेचुएशन। और यहाँ पे इंडिकेशन भी है, इन बातों का ये इंडिकेशन भी है कि समथिंग माइट
have been done by the poet, जो कि बहुत childish और stupid होगा, that her mother felt ashamed. तो जब हम nostalgic elements की बात कर रहे हैं, autobiographical elements की बात कर रहे हैं इस poem में, तो regret भी है, because you remember the line जहाँ पे वो कहते हैं कि पैसा और समय वृक्षों पे नहीं उगता है. So when I'll just read that line. You told your children that money and time do not grow on trees. So ये जब recall कर रहे हैं poet, ये क्या है उसके mother की वो advice है जो वो अपने बच्चों को देती थी कि money और जो time है, they do not grow on trees. They are very precious. एक इंसान को ये सीखना चाहिए how to use money and time. और वो एक रिग्रेट के साथ, उनको लगता है कि वो एडवाइस मैंने फॉलो नहीं की, लगता है कि जैसे द पोएट हैज फॉरगॉटन व्हाट हर मदर टॉट. और क्यों एक वो जब दिस लाइन इसी लाइन के साथ है, आई कुड नेवर लर्न टू कीप अप विद देम, जो वो पीसेस ऑफ एडवाइस हैं, जो वो मनी और टाइम का के एलिमेंट्स हैं. इट इजन दैट आई हैव फॉरगॉटन व्हाट यू हैव कम टू मीन टू मी, दो आई अबंडेंड मच एंड लेफ्ट सो लिटिल ऑफ माई सेल्फ फॉर अदर्स टू रिमेंबर मी. तो कुछ ऐसा मेरा है ही नहीं मेरी पर्सनालिटी में जो कोई और मुझे याद करे जिस बारे में. सो देयर इज, ये लाइंस बड़ी इंपॉर्टेंट है इस लिहाज से कि इनमें रिग्रेट रिफ्लेक्ट होता है. और क्योंकि अबंडन कर चुके हैं वो ऐसी वो हैबिट्स दैट कैन हेल्प हिम गेन गुड यूज ऑफ टाइम, और कोई ऐसा उनकी एग्जिस्टेंस का कोई ट्रेस नहीं छोड़ा जो कि दूसरों के लिए मेमोरीज का रीजन बने. सो ही ऑल्सो एक्नॉलेजेस कि सारी जो मदर्स हैं वो अपने बच्चों के लिए विजडम है ना, और एक उनका एक अटेम्प्ट होता है कि उनके जो चिल्ड्रन हैं वो उन्हीं pieces of advice को implement करें अपनी life में और उनकी life better हो. And he feels this constant regret कि मैं वो implement नहीं कर पाया उस advice को, क्योंकि जब वो ये बात कह रहे हैं, अब यहाँ उन्होंने कहीं नहीं लिखा कि मैं I'm running out of money, I'm running out of time, but ये एक reader के part पे it is left to understand it on that way, कि जब हम इस line को देखते हैं ना, I could never learn to keep up with them. So it shows that somewhere poet के दिल में वो regret है कि मैं उस तरीके से पूरी तरह money और time का proper use नहीं कर पाया. Maybe there is an indication that he is running out of both money and time. और इस line को I abundant much and left so little of myself for others to remember me. See the poignancy that I was mentioning in the beginning of my lecture. Read this line again. I abundant much and left so little of myself for others to remember me. Abandon किसी चीज को छोड़ देना होता है ना, त्याग देना होता है. So that means ये दर्द, ये दुख वैसा ही है जैसा swimming lessons में इमिग्रेंट्स की बात को बताया जाता है, जो लोग अपनी रूट्स को छोड़कर फिर रूट्स का भी ध्यान रखते हैं. कनाडा में जाके वो मुंबई में भी उसका ध्यान है. सो दैट मींस देयर इज दिस सेंस ऑफ लूजिंग द बॉन्ड विद द रूट्स, चाहे वो विलेज है चाहे वो सिटी है जहां वो इंसान बेसिकली बिलोंग करता है. और देर माइट बी एन इंडिकेशन कि उस जो पोएट है उनको अपना होम और विलेज छोड़ना पड़ा, और फिर सिर्फ जगह ही नहीं छूटती हैं, रिश्ते भी छूटते हैं वहां पे. और देर दिस पोएट रॉबिन एंड एस गेंजोम, ये टीचर है नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी में. और इट इज पॉसिबल कि जब आप जॉब में, जब आप अपनी प्रेजेंट सिचुएशन में हैं, तो वो इतना बिजी शेड्यूल हो जाता है दैट यू डोंट हैव टाइम टू कॉन्टेक्ट विद अदर्स इन योर रिमोट पास्ट.
ना, जैसा इस राइटर के साथ है, इन लाइंस में तो यही झलकता है दैट ही इज नॉट इन अ ही इज नॉट इन रेगुलर टच विद द पीपल ऑफ हिज ओन विलेज. और फिर वो ये भी मानते हैं कि मैंने कुछ ज्यादा छोड़ा ही नहीं, सो लिटिल ऑफ माई सेल्फ और अदर्स टू रिमेम्बर मी. सो कोई ऐसा लिटिल क्या है, इम्प्रेशन किसी की मेमोरी में रहना, दैट मीन्स यू हैव टू हैव समथिंग दैट इज लेफ्ट ऑन दी लैंड ऑफ द मेमोरीज, है ना. सो देयर इज नथिंग दैट इज लेफ्ट. ये भी एक रिग्रेट है. और क्या उभर के इस पोएम में आता है, वो है पर्सनालिटी ऑफ ऑफ द मदर, द पोएट्स मदर. कहाँ से हमें पता चलता है, कितनी लाइंस हैं जो बताती हैं कि वो अपनी मदर की जो हार्ड वर्किंग नेचर है, इंडस्ट्रियस जो नेचर है, द वे शी टेक्स केयर ऑफ एवरी वन इन द फैमिली. अब हम जब इस तरीके से इसको पढ़ रहे हैं तो ये एक कॉमन पिक्चर है एक मदर की, बिकॉज मदर इज ऑलवेज शोन डूइंग वर्क इन इन दी होम, टेकिंग केयर ऑफ एवरी वन वेरी सेल्फलेसली. तो जब वहाँ पे एजेड हस्बैंड की बात है, वो फादर हैं जो पोएट के, और जब वो अपनी बात करते हैं, जो सन्स की बात करते हैं, सो देर मस्ट बी अनमेरिड सन्स, उनके ब्रदर्स जो हैं, है ना. यू टोल्ड योर चिल्ड्रन लिबरेटेड डॉटर्स इन लॉ, ये कोई छोटे फ्रेजेस तो नहीं है ना. दे टॉक कि लिबरेटेड डॉटर्स इन लॉ कैसे हुई, कि आप एज अ मदर वो वेमेन को भी केयर कर रहे हैं जो अपनी जॉब्स के कारण हाउस होल्ड कोर्स नहीं कर रही हैं. सो दे आर फ्री इन दैट सेंस. तो वो एक्नॉलेज कर रहे हैं अपने मदर के स्टेप को, और वो ये भी मेंशन कर रहे हैं कि अब जो है देर इज चेंज इन द रोल्स ऑफ वेमेन, क्योंकि ट्रेडिशनली वेमेन वर्कड इन होम्स, और अब जो है दे आर मूविंग आउट ऑफ द होम्स टू अर्न मनी. और जब वहां पे जिक्र है कि जो मदर है वो बहुत वरी करते हैं, एंजाइटी चिंता बहुत करते हैं, और इसी वजह से वो स्माइल नहीं कर पाते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड रहते हैं अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, और इसीलिए उनके फेस पे क्या है, रिंकल्स, साइंस ऑफ स्नो अपियर ऑन हर हेयर. अब हमें पता है स्नो का यहाँ मतलब क्या है, सफेद बालों की बात हो रही है, कि उनकी मदर जो है शी इज एजिंग नाउ. तो बहुत ज्यादा हम ये जब हम उस दिन बात कर रहे थे मेटाफर्स की और फिगरेटिव लैंग्वेज की, तो यू सी कि हर पोएम जो है ना वो इन्हीं चीजों से, एलिट्रेशन देखो, साइन, स्नो, एस 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 साउंड रिपीट हो रहा है. सो यू सी दैट दिस पोएम इज अबाउट सो मेनी थिंग्स जो हम अभी मेंशन कर रहे हैं. उनमें से एक है कि जब वो अपना पास्ट रिकॉल कर रहे हैं, नॉस्टैल्जिक हो रहे हैं, तो अपनी मदर को भी याद कर रहे हैं. और कहाँ कैसी कैसी बातें याद कर रहे हैं कि मदर जो है जैसे जैसे वो बिल्कुल डॉन का टाइम होता है ना, जब सूर्य भी सन भी राइज नहीं हुआ है उससे पहले का टाइम, तो ये उनकी मदर की हैबिट है कि उससे पहले ही वो जैसी टेम्पल में बेल्स की आवाजें आती हैं तो वो अपना बेड लीव कर देती हैं और सारा फ्लोर्स को स्वीप करती हैं, और खाना कुक करने के बाद खुद बात लेती हैं. और ये डॉन, जब मतलब सन भी राइज नहीं हुआ है, और ये उनका शेड्यूल शुरू हो जाता है कब तक, जब तक वो बाजार से मार्केट से डस्क के टाइम पे, जब रात से पहले का इवनिंग, लेट इवनिंग का टाइम है. और हमेशा वो कैसी इमेज याद आ रही है, हर हेड इज लोडेड विद बास्केट्स. तो ये जो क्वेश्चन है, जो मैं पहले भी बात कर रही थी एक दिन आपसे, कि जब जब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं किसी कॉम्पोजिशन में, जरूरी नहीं उसका आंसर येस और नो हो. तो जब वो ये कहते हैं मस्ट यू एंड टॉयलिंग फॉर एवर, तो इतना संघर्ष, इतना ही मेहनत, माँ क्या ये खत्म नहीं होगा, ऐसे ही चलेगा ये सारे फॉर एवर के लिए. तो ये जो डेली रूटीन का जिक्र है ना अपनी मदर का, राइजिंग अर्ली, है ना, टेकिंग बाथ, कुकिंग,
गोइंग टू द मार्केट, कमिंग होम विद हैवी बास्केट्स लेट इन द इवनिंग. दिस टॉक्स अबाउट द सिचुएशन ऑफ वुमेन देयर एंड द कंसर्न ऑफ द पोएट. और जो बहुत ज्यादा क्लियरली आ रहा है बार बार घूम घूम के हर हर कुछ लाइन्स के बाद, वो एक रिग्रेट, एक रिपेंटेंस इन द हार्ट ऑफ द पोएट. क्योंकि वो सॉरी, ही इज फीलिंग सॉरी कि वो जो स्टेबिलिटी मेरी मदर में है, मैं वो इनहेरिट नहीं कर सका. किस चीज की स्टेबिलिटी? अब उस द वे शी वर्क्स, द वे शी इज सो गुड अपनी कुकिंग स्किल्स में, वो कितना अच्छी हैं. देखा है वो लाइन, मैं रिपीट कर रही हूँ इसको, आई एम सॉरी पेलम, आई हैव इनहेरिटेड नथिंग ऑफ योर स्टेबल वेज और कल्नरी स्किल्स. कल्नरी इज द वे ऑफ कुकिंग, है ना. और स्टेबल वेज क्या है? उस स्टेबिलिटी, उस डेडिकेशन, उस समर्पण भावना से काम करना, और आप कभी उससे वेवर नहीं करते. जैसे आप स्टेबल हैं अपने वर्क के प्रति, आप वैसे ही रहते हैं सालों बीत जाए उसके बाद भी. तो ही फील सॉरी डेट आई एम नॉट एबल टू इनहेरिट दैट स्टेबिलिटी दैट शी स्टिल होल्ड्स इन हर कोर्स. And the way she's so adept at cooking. So, जैसे इंसान फील करता है that I stand nowhere in front of my mother. और so clearly वो बता रहे हैं कि I'm not as good a cook as my mother is. और फिर कहीं पे जब forgive me की expression आता है, forgive me for all your dreams of peace during your remnant days, जो बच गए हैं. I turned out to be a small man with small dreams, living a small life. So ये forgiveness beg की जा रही है कि वो fail कर चुके हैं as a son, कि fulfill नहीं कर पाए वो सारे peaceful dreams जो अब उनके रेमिनेंट रिमेनिंग डेज में है ना. शायद वो ये भी ड्रीम हो कि मदर, जैसे हर पेरेंट को होता है, दैट माय किड्स, माय चिल्ड्रन सर्व ड्यूरिंग द ओल्ड डेज. और अब वो तो इतना स्मॉल अपने आप को महसूस करते हैं, क्योंकि स्मॉल से उनका मतलब इनसिग्निफिकेंट से है, अनइम्पॉर्टेंट ह्यूमन बींग से है, जिनके बहुत ही स्मॉल ड्रीम्स रहे. तो जब हम स्मॉल पर्सन की बात करते हैं, सो दैट मीन्स ही इज रिफरिंग टू द अचीवमेंट्स, जो दुनियावी भौतिक अचीवमेंट्स है ना, वर्ल्डली अचीवमेंट्स हैं, उनको वो भी क्या लग रही है? इनसिग्निफिकेंट. क्यों लग रही है वो ऐसे स्मॉल खुद को क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो कह रहे हैं आई एम नथिंग व्हेन इट कम्स टू द ग्रेटनेस ऑफ माय मदर, वट एवर इज शी डूइंग. लाइफ लॉन्ग स्ट्रगल जो उन्होंने फैमिली के लिए शो किया है वो आज भी वैसे हैं, और मैं तो सिर्फ एक ओनली मैन हूं. सो ही इंडिकेट्स, ही एम्फेसाइजेस द सेल्फलेस डेडिकेशन ऑफ हिज मदर इन रेजिंग द सन, इन सर्विंग द फैमिली. तो उनको लगता है ये ग्रेट, मोर ग्रेट, इट इज ग्रेटर जो सेल्फलेस डेडिकेशन है उनके मदर की, और जो जिस तरीके से वो सर्व करती हैं अपनी फैमिली को, ये ग्रेटर है किसकी तुलना में, जो उनके बेटे ने अचीव किया है अपनी लाइफ में. जब हम इस पोएम की राइम स्कीम की बात करेंगे तो ये बिल्कुल फ्री वर्स है, वैसा कोई राइम जो एक ट्रेडिशनल वे में हम पढ़ते रहे हैं वो नहीं है. तो जहां कोई राइम स्कीम नहीं है वहां हम उसे क्या कहते हैं, उस पोएम को, फ्री वर्स. और बहुत जो क्लियर दिख रहा है इस पोएम में वो ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स हैं. डीप एग्नी पेन, पॉइग्नेंट टोन है जिससे ये पोएम बहुत इमोटिव होती है. दिस इज व्हाट वी कॉल a poem with so many aspects that we have just mentioned.